भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कहते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत से ही हुई थी, इसलिए यह दिन हर भारतीय के लिए बहुत महत्व रखता है। योग हमारे भारत की पहचान है, जो कहीं सदियों से भारत में किया जाता है। भारत की पहल के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला और इसे पूरी दुनिया ने अपनाया। 21 जून साल 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद से हर साल 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैठमा में भी नगर के समस्त शासकीय विद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बैठमा में सांसद प्रतिनिधि द्वय मूलचंद शर्मा एवं नीलेश उपाध्याय के आतिथ्य में मनाया गया। योग शिक्षक अनिल परमार द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल से योग कराया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। स्कूल में जो योग कार्यक्रम था उसमें बहुत अच्छा लगा और हमें हमेशा योग करना चाहिए, उससे हम हमेशा निरोग रहेंगे। योग से हमें कभी बुखार नहीं आएगी, कोई हमें रोग नहीं होगा, हम हमेशा निरोग रहेंगे। और इसलिए हमें डेली प्राणायाम, आसन और सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए, योग से संबंधित आसन वगैरह। आपका नाम? मेरा नाम राधिका सेन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है योग करके और हमेशा योग करना चाहिए। 21 जून 2015 को माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे विश्व में सर्वप्रथम योग दिवस मनाया गया था। इस वर्ष 9वें योग दिवस की थीम योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम है। इस समय हमारा यह सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग कर रहे हैं और यहाँ बैठमा में हम कन्या माध्यमिक विद्यालय में समस्त बैठमा के गणमान्य नागरिकगण और बच्चों ने योग क्रियाएं की। आज हमने भी अनिल परमार सर के साथ योग क्रियाओं का किया और उसके बाद बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। आप सभी से भी आह्वान है कि आप प्रतिदिन घर पर योग की क्रियाएं करें और जो भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है पूरे विश्व को, उसका अनुभव करें। मैं माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 9वें विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर नगर के समस्त धर्म के लोग, जाति के लोग और सभी संस्थाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर विश्व योग दिवस मना रही है। इसमें इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और हमारा विद्यालय में भी प्रतिदिन योग कराया जाता है और यहाँ की बालिकाएं भी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर पुरस्कार जीत के लाई है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रतिदिन योग करें और अपने स्वास्थ्य लाभ लें, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप अच्छे कार्य कर सकेंगे। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।